बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लोक संवाद कार्यक्रम में आज एक अधिकारी अपनी बात रखने पहुंचे। नीतीश कुमार ने ध्यान से बात सुनी और उनकी सलाह पर अमल करने की बात भी कही। जब अधिकारी की बात खत्म हो गई तब नीतीश को पता चला कि सलाह देने वाला ये शख्स कोई आम नागरिक नहीं बल्कि बिहार में प्रशासनिक सेवा के अधिकारी सुबोध कुमार हैं। सुबोध बिहार के शेखपुरा में एसडीएम के पद पर तैनात हैं और उन्होंने सीएम को जमीन की खरीद बिक्री को लेकर नियम में बदलाव के सुझाव दिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ये सुझाव बेहद पसंद आए। आज लोक संवाद में मुख्यमंत्री के सामने उन्हें एडवाइस देने पहुंच गए थे। हमारे साथ हैं आप एसडीएम भी हैं और आईआईटी से भी आप पास किए। मुख्यमंत्री के सामने आप पहुंच गए, आप जबकि अधिकारी हैं लोक संवाद में, ये आपने हिम्मत कैसे की और आपको क्या लगता है कि इसका परिणाम क्या हो सकता है? देखिए, मैंने मुख्यमंत्री महोदय को जो पत्र सुझाव दिया वो मैंने एसडीएम की हैसियत से नहीं दिया था। मैंने मुख्यमंत्री के महोदय के पास कोई भी बिहार का आम नागरिक पत्र लिख सकता है और सुझाव दे सकता है जो बिहार की जनता के हित में, बिहार की जनता का हित है। इसमें बहुत सारे बिंदु हैं जो माननीय मुख्यमंत्री के सामने इस बात को रखने पर ही वो बहुत सारा, आपने भी देखा होगा, मुख्यमंत्री महोदय भी इस बात को स्वीकार किए कि बिहार में भूमि विवाद बहुत ज़्यादा है। मेरा भी अनुभव था तो मैंने उसको मुख्यमंत्री महोदय के सामने रखा। आईआईटी से पास किए, एक मिनट, हम अगर मान लीजिए जैसे आपके द्वारा कहा गया अपने सचिव महोदय को क्यों नहीं लिखा या प्रधान सचिव महोदय को नहीं, अगर मैंने प्रधान सचिव महोदय को लिखना था वो भी मुझे, हम उनको डायरेक्ट पत्र नहीं लिख सकते, लेकिन लोक संवाद में आके आम आदमी की हैसियत से मुख्यमंत्री महोदय को तो पत्र लिख। जिस तरह से मुख्यमंत्री के सामने आए इससे साफ जाहिर होता है कि आप निडर हैं और कहीं ना कहीं आपकी छवि अच्छी रही होगी तब आपने इतनी हिम्मत की यहाँ तक पहुँचने की। तो एक साफ सवाल है कि क्या आपको लगता है कि शासन प्रशासन को दुरुस्त करने में अभी बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा या बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है? देखिए, आपने कहा कि आप निडर पदाधिकारी हैं, अगर मेरे पास कोई चीज़, देखिए मैं ये अलग है कि मैं सामान्य पदाधिकारियों से थोड़ा अलग तो हूँ। मैंने भारत के प्रधान मुख्य न्यायाधीश महोदय को न्यायालय में मुकदमों की संख्या कम कैसे हो उसके बारे में रजिस्टर्ड पत्र भेजा है, माननीय प्रधानमंत्री महोदय को भी भेजा है। तो अगर सही सुझाव देने में क्या डरना, अगर वो सुझाव सही हो और उससे कुछ पब्लिक का भला हो सकता हो तो उसमें क्या डरना है। मैंने माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल को पॉल्यूशन पर भी, प्रदूषण कंट्रोल पर 13 सुझाव दिया। मैंने माननीय मुख्य निर्वाचन आयुक्त महोदय को निर्वाचन में प्रक्रिया में सुधार के लिए 20 सुझाव दिए। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।